तस्वीरों में आपने ये झलक देखी, लेकिन ये झलक है तूफान की। दरअसल तितली तूफान भारत के ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया और ऐसे में स्थिति वहां पर बहुत खराब हो सकती है। मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 150 जो है प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा तेज बारिश की भी आशंका है। एहतियातन ओडिशा में अकेले 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तितली से तबाही शुरू। तेज हवाओं से हिला ओडिशा। भारी बारिश ने मचाया कोहराम। समंदर की लहरें हुई खूंखार, जिसकी आशंका थी वही हुआ। तितली तूफान ने पूरी ताकत के साथ ओडिशा के तटीय इलाकों में दस्तक दी, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तेज हवाओं से तटीय इलाके हिल रहे हैं, पेड़ तूफान के आगे झुक चुके हैं। और जो झुकने को नहीं तैयार हैं, वो टूट गए हैं। घरों की छतों पर लगे टीन शेड उड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं। सड़क पर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। तेज हवाओं के साथ आसमान से लगातार हो रही बारिश ने हालातों को और खौफनाक बना दिया है। हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा पहुंच गई है। जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। समंदर की लहरें 3 मीटर से ज्यादा उठ रही हैं। आज सुबह तड़के तितली ओडिशा के तटीय शहर गोपालपुर पहुंचा, जहां इसका भयानक रूप देखने को मिला। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। वहीं भूस्खलन भी देखने को मिला। 280 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट से टकराया। इसके असर से 12 अक्टूबर तक पूरे ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी तितली ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार और बंगाल के भी कुछ इलाकों में तितली का असर देखने को मिल सकता है। अभी तो तितली ने दस्तक दी है, आने वाले कुछ घंटों में हालात और बदतर होने की आशंका है। कोलकाता से मनोज्ञा के साथ हैदराबाद से आशीष पांडे, आज तक। लोगों की जिंदगी को नुकसान न पहुंचे, इसे लेकर कई एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। ओडिशा की अगर बात करें, छात्र संघ चुनाव वहां रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा, आंध्र का उत्तरी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है और अगले 12 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि इसमें भारी नुकसान की आशंका है। तितली तूफान का कहर, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा, समंदर की लहरें हुई खौफनाक, भारी बारिश से हिले शहर। बंगाल की खाड़ी से उठा खौफनाक तितली तूफान दक्षिण पूर्व के तटीय इलाकों में पहुंच चुका है, जहां खौफनाक हो चुके इस तितली ने तबाही मचानी शुरू कर दी है।
तेज हवाओं और भारी बारिश ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। देर रात शुरू हुई ये तबाही आज दिन में हालात और बदतर कर देगी। मौसम विभाग ने पहले ही तूफान का अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और कई इलाकों को खाली करा दिया गया। ओडिशा में 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तूफान के चलते 11 और 12 तारीख को स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। गंजम, पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों के प्रशासन को चक्रवाती तूफान तितली की राह में आने वाले सभी संभावित क्षेत्रों को खाली कराने के निर्देश दे दिए। आज होने जा रहे छात्र संघ चुनावों को रद्द कर दिया गया है। अब तक NDRF के 10 दल और ODRF के 8 दल तटीय और आंतरिक जिलों में तैनात किए जा चुके हैं। 836 शिविरों को तैयार किया गया है। तटीय इलाकों में पर्यटकों को गहरे समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। साथ ही मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बंगाल की उत्तरी और मध्य खाड़ी में 12 अक्टूबर तक समुद्र में न जाएं। इसके अलावा तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। मौसम विभाग ने चक्रवात तितली के गंभीर स्तर पर पहुंचने की सूचना देने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जिलों के जिला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई दुर्घटना न घटे। उड़ीसा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम के बीच भूस्खलन होने की संभावना है। अगले 12 घंटों में इसके बहुत गंभीर स्तर पर पहुंचने का भी अनुमान है। गंजम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, कंधमाल, बौंध और ढेंकनल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने चक्रवात को देखते हुए कुछ इलाकों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। राज्य सरकार ने सभी जिलों, खासकर तटीय जिलों में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। तूफान का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनों को रोकने का फैसला किया गया है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट पर तितली के प्रभाव को देखते हुए खुर्दा रोड और विजयनगरम के बीच रात 10 बजे से रेल सेवाएं बंद कर दी गई। उत्तर प्रदेश होते हुए हावड़ा खड़गपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनें भी शाम 5:15 के बाद से अगली सूचना तक भद्रक में रोकने का फैसला किया गया। हैदराबाद विशाखापट्टनम से चलने वाली डाउन ट्रेनें शाम 6:40 के बाद से दुबाड़ा में रोक लिया गया। अगले 48 घंटों तक इस तूफान का कहर देखने को मिलने वाला है, जो अपने साथ भारी तबाही का सामान लेकर पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। तो क्या स्थिति है, हमने आपको ये दिखा दिया, लेकिन आइए अब आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन से वो हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर बात करें उड़ीसा की, तो आप मैप में यहां देख रहे हैं गजपति, पुरी, केंद्रपाड़ा, बालासोरा, भद्रक, ढेंकनल, कंधमाल, कटक, जाजपुर, कालाहांडी, कोरापुट और रायगढ़, मतलब ये तमाम वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। आइए अब रुख करते हैं अगले राज्य का, आंध्र प्रदेश, जिसका उत्तरी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। ये तमाम जगहें आप देख रहे हैं जो प्रभावित रहेंगी, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, झाड़ग्राम, पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान के भी हिस्से हैं जहां पर तेज बारिश और इसके साथ ही तेज हवाओं का कहर जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तरी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ये वो सभी हिस्से हैं जहां पर तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तबाही सिर्फ और सिर्फ भारत में ही आपको दिखाई दे रही है। तूफान का कहर इंटरनेशनली यानी अमेरिका पर भी जबरदस्त है। माइकल तूफान वहां पर तबाही मचा रहा है। चारों तरफ तेज हवाएं,
खौफ पैदा करती समंदर की लहरें, हवाओं से लड़ते पेड़, शहर में पानी का सैलाब, आसमान से होती बारिश, तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा की हैं, जहां माइकल तूफान ने दस्तक दे दी है। तूफान कितना खतरनाक है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा के पार पहुंच चुकी है, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। वहीं आसमान से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कों पर चलना मौत को दावत देने जैसा हो गया है। तूफान माइकल श्रेणी 4 के अत्यधिक खतरनाक तूफान में तब्दील हो गया है। समंदर में लहरें 13 फीट तक उठ रही हैं। राज्य की राजधानी टलाहसी में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने लोगों से घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश का पालन करने की अपील की है। तटीय इलाकों में ये इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान के रूप में कहर बरपा सकता है। राज्य के 370,000 से अधिक लोगों को अपने घरों को खाली कर ऊंचे और सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया में इमरजेंसी लगा दी गई है। इलाके के स्कूल और सरकारी कार्यालय एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालात आगे और बदतर होते नजर आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। आज तक लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।